कोतवाली क्षेत्र के अंबा विहार में स्थित जैन मंदिर में लाखों रुपए की छत्र एवं मूर्तियां हुई चोरी। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। जनपद मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अंबा विहार में स्थित प्रसिद्ध श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर में से बीती देर रात अज्ञात चोरों ने मूर्तियां तथा छत्र चोरी कर सनसनी फैला दी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। चोर मंदिर में खिड़की तोड़कर दाखिल हुए हैं। चोरों ने मंदिर से चार मूर्तियां तथा छत्र चोरी कर लिए और फरार हो गए। आज सुबह मंदिर खुलने पर घटना का पता चला तो क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि मंदिर में पहले भी चोरी की घटना हो चुकी है, जिसका अभी तक भी खुलासा नहीं हो पाया, जिसके चलते जैन समाज के लोगों में रोष व्याप्त है। दूसरा कैमरा चलाओ यहाँ से, उसका फोकस जो जिसके बाल ना हो, गंजा सा हो रहा हो, सांवला सा हो, सरे रहता है, थोड़ा सा तो समय लगेगा। हाँ जी। आपका नाम? मेरा नाम शुभम जैन। शुभम जी, ये चोरी हुई है, कितनी चोरी हुई है और क्या क्या समझ? रात एक आदमी आया है, किसी से टीवी कैमरे में आ रहा है पूरा का पूरा। उसमें चार प्रतिमा, दो बड़ी और दो छोटी प्रतिमा चोरी हुई है और छतर वगैरह जितने भी थे चांदी के सब चोरी हुए हैं। पुलिस के टीम यहाँ पर पूरी छानबीन कर रही है, पूरा टॉप स्क्वाड और पूरा फॉरेंसिक टीम सब आ रही है। लगभग कितनी की चोरी हुई होगी, कितना नुकसान हुआ? ऐसे नुकसान तो आकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन लाखों में ही चोरी हुई है, क्योंकि चार प्रतिमा अष्टधातु की काफ़ी महंगी रहती हैं, जो कि काफ़ी पुरानी प्रतिमाएं थी। कितने लोग आए थे चोरी करने? एक ही आदमी दिखाई दे रहा है जो उसमें कैमरे में आ रहा है। उसने एक कैमरा भी तोड़ा हुआ है और खिड़की से एक जंगला सा छोटा, एक बाई एक फुट का छोटा सा जंगले में अंदर घुसा हुआ है, जो मतलब आदमी सोच नहीं सकता कि इसमें से कोई बच्चा भी घुस सकता है, उसमें से वो आदमी घुसा हुआ है। लगभग कब की घटना है ये? रात के 2:30 बजे के बाद की घटना है और एक घंटे के अंदर अंदर सारी वारदात हुई है। जो क्या कहना है, ये अस्थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में एक अंबा विहार मोहल्ला है, उसमें जैन मंदिर। वहाँ सूचना आई थी कि चोरी हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस समय से वहाँ पहुँच गई और वहाँ पर जाने में पता चला कि कुछ मूर्ति और कुछ छत्र चोरी हुए। CCTV फुटेज पुलिस ने छानबीन की है, उसमें एक चोर की चोरी करते हुए दिखाई दे रहा है। टीमें लगा दी गई हैं और दूसरी सी टीम में जो चोर दिख रहा है उसकी जल्दी गिरफ्तारी करके चोरी का खुलासा किया जाए। नहीं, वो जो पिछली जो चोरी थी वो वहीं का एक व्यक्ति था जैन समाज का ही, वो उसकी कुछ मजबूरी थी इसलिए उसने चोरी करी, जैसा कि बाद में पूछताछ में आया था। वो कोई प्रोफेशनल चोर नहीं था। ये भी अभी जब चोर पकड़ा जाएगा तो पता चलेगा कि इसमें क्या मामला है। अभी तक जो आया है चोर है, उसको हम पकड़ेंगे जल्दी गिरफ्तार करेंगे।